इंसान बहुत समय से सोच रहे हैं कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। यह सवाल सदियों से हमारे मन में गूंज रहा है। हम तारों को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या दूसरे ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है, क्या वहां भी कोई हमारी तरह सोचता और महसूस करता है। वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। वे दिन रात इस खोज में लगे हुए हैं, नई तकनीकों और उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। वो हमारे सौर मंडल और उसके बाहर के ग्रहों और चंद्रमाओं का अध्ययन कर रहे हैं। हर नए मिशन के साथ हम ब्रह्मांड के रहस्यों को और करीब से जानने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन खोजने के लिए दो सबसे अच्छी जगहें हैं यूरोपा और एनसेलाडूस। ये चांद वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही रोमांचक है। ये दोनों चांद क्रमशः बृहस्पति और शनि की परिक्रमा करते हैं। इनकी कक्षाएं और सतहें बहुत ही दिलचस्प हैं। ये दोनों बर्फ से ढके हुए हैं। इनकी सतहें ठंडी और कठोर हैं, लेकिन अंदर कुछ और ही कहानी हो सकती है। लेकिन इनकी बर्फीली सतह के नीचे वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी के विशाल समुद्र हैं। ये समुद्र जीवन के लिए आवश्यक तत्वों से भरे हो सकते हैं। ये समुद्र एलियन जीवन का घर हो सकते हैं। अगर वहां जीवन है तो यह हमारी समझ और ब्रह्मांड के बारे में हमारी धारणाओं को बदल सकता है। यूरोपा पृथ्वी के चांद से थोड़ा छोटा है। यह बृहस्पति के चारों ओर परिक्रमा करता है और हमारे सौर मंडल के सबसे दिलचस्प चंद्रमाओं में से एक है। इसकी सतह बहुत चिकनी है। यह चिकनाई बर्फ की मोटी परत के कारण है जो इसकी सतह को ढकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी सतह बर्फ से बनी है और यह लगातार बदलती रहती है। बर्फ की यह परत समय समय पर टूटती और फिर से जमती रहती है, जिससे नई संरचनाएं बनती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा की बर्फीली परत के नीचे नमकीन पानी का एक विशाल समुद्र है। यह समुद्र सतह के नीचे कई किलोमीटर गहराई में स्थित है। यह समुद्र पृथ्वी के सभी समुद्रों के कुल आयतन से दोगुना हो सकता है। यह विचार ही रोमांचक है कि हमारे सौर मंडल में कहीं और इतना पानी हो सकता है। माना जाता है कि यूरोपा पर समुद्र बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण बल से गर्म होता है। बृहस्पति का विशाल गुरुत्वाकर्षण बल यूरोपा के अंदरूनी हिस्सों को गर्म रखता है। ये ज्वारीय बल यूरोपा के समुद्र तल पर हाइड्रोथर्मल झरनों का निर्माण भी कर सकते हैं। ये झरने समुद्र तल से गर्म पानी और खनिजों को बाहर निकालते हैं। हाइड्रोथर्मल झरने ऐसे स्थान होते हैं जहां समुद्र तल से गर्म खनिज युक्त पानी निकलता है। ये झरने जीवन के लिए आवश्यक तत्व प्रदान कर सकते हैं। पृथ्वी पर हाइड्रोथर्मल झरने जीवन से भरे हुए हैं। यहां विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो इन झरनों के आसपास रहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा पर भी ऐसे ही झरने जीवन को सहारा दे सकते हैं। अगर ऐसा है तो यह हमारे सौर मंडल में जीवन की खोज के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। एनसेलेडस यूरोपा से बहुत छोटा है। इसका व्यास केवल लगभग 310 मील या 500 किलोमीटर है, लेकिन एनसेलेडस भी जीवन की तलाश के लिए एक दिलचस्प जगह है। 2005 में कैसिनी अंतरिक्ष यान ने पता लगाया कि एनसेलेडस अपने दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र से जल वाष्प और बर्फ के कणों के फव्वारे उगल रहा है। ऐसा माना जाता है कि ये फव्वारे एक भूमिगत समुद्र से निकलते हैं। माना जाता है कि एनसेलेडस पर समुद्र भी ज्वारीय बलों से गर्म होता है। कैसिनी अंतरिक्ष यान एनसेलेडस के फव्वारों से होकर गुजरा और उसने कार्बनिक अणुओं का पता लगाया। कार्बनिक अणु जीवन के निर्माण खंड है। भाग 4, बृहस्पति और शनि के मिशन। बृहस्पति और शनि हमारे सौर मंडल के दो सबसे बड़े ग्रह हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। नासा 20 के दशक में यूरोपा क्लिपर नामक एक अंतरिक्ष यान को यूरोपा भेजने की योजना बना रहा है। यह मिशन बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की गहन जांच करेगा, जो अपने बर्फीले सतह और संभावित उपसतही महासागर के लिए जाना जाता है। यूरोपा क्लिपर बृहस्पति की परिक्रमा करेगा और यूरोपा के कई करीबी फ्लाईबाई करेगा। यह मिशन यूरोपा की सतह और उसके नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करेगा। यह यूरोपा के बर्फीले खोल, समुद्र और आंतरिक भाग का अध्ययन करेगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह मिशन हमें यूरोपा के भूगर्भीय इतिहास और उसकी संभावित जीवनधारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। यूरोपा क्लिपर वैज्ञानिकों को यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि क्या यूरोपा जीवन का समर्थन कर सकता है। यह मिशन हमें यह समझने में भी मदद करेगा कि क्या यूरोपा के महासागर में जीवन के लिए आवश्यक तत्व मौजूद है। वर्तमान में एनसेलेडस के लिए कोई मिशन की योजना नहीं है। एनसेलेडस शनि का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण चंद्रमा अपने बर्फीले ज्वालामुखियों
और संभावित उपसतही महासागर के लिए जाना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक इस दिलचस्प चांद पर लौटने के लिए उत्सुक हैं। एनसेलेडस के फव्वारे और उसकी सतह के नीचे छिपे रहस्यों को समझने के लिए एक भविष्य के मिशन की योजना बनाई जा सकती है। एनसेलेडस के लिए एक भविष्य के मिशन में इसके फव्वारों का अधिक विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है और जीवन के संकेतों की खोज की जा सकती है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह मिशन हमें शनि के इस चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करेगा और सौर मंडल में जीवन की संभावनाओं को समझने में मदद करेगा। भाग 5, जीवन की खोज का महत्व। एलियन जीवन की खोज मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगी। ये ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को बदल देगा। यह कई नए सवाल भी खड़े करेगा। अगर हमें यूरोपा या एनसेलेडस पर जीवन मिलता है तो इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड में जीवन आम है। इसका मतलब होगा कि हम अकेले नहीं हैं।